हाद को लेकर एक विधेयक सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाना है एक तरफ जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार विधेयक के संबंध में माने तो शिवराज सरकार की ये मंशा है कि प्रदेश में धर्म स्वातंत्र कानून लाया जाए तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की माने तो सरकार केवल महिला सुरक्षा पर बातें करती है पहले जो प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कानून बने हैं पहले उन्हें सख्त किया जाना चाहिए देखें ये खास रिपोर्ट शब्द बहुत तेजी से चल रहा है जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं जी हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोमन और बहकावा फ्रॉड बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर पांच साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं इस हम इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं यह परमार्जित होगा विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संगे कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें इसी तरह से प्लोबन बलपूर्वक फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वाइट घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता भाई भवन को शिकायत करना आवश्यक होगा शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को एक माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं देखिए मुझे लगता है कि सरकार महिला सुरक्षा पे सिर्फ बातें करती है और बातें करने का काम करती है अभी तक कितने कानून बने हुए हैं उसके बाद कितने बलात्कार और कितने महिला अत्याचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में लगभग इनकी सरकार छियालीस हजार से ज्यादा बलात्कार प्लस महिला अत्याचार की घटनाएं हो रही है और रोज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से घटना हो रही है गृह मंत्री पहले उसके ऊपर जवाब दे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का, का काम करे जो कानून बने उन्हें सख्त बनाने का काम करे सिर्फ किसी को डराने धमकाने के लिए कानून

और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें सिर्फ कानून बनाने से कोई भी महिला सुरक्षा नहीं हो